हाय फ्रेंड, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेलवे सामान विज्ञान जो है स्पीडी का है और इसमें विगत 25 वर्षों का प्रश्न पत्रहल है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है विज्ञान में पढ़ना। मुझे यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा है। तो रेलवे सामान विज्ञान संपूर्ण संशोधित संस्करण। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनोलिडा। एनोलिडा क्या है में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? एनोलिडा ग्रुप, एनीलिडा, कौन सा ग्रुप? एनीलिडा ग्रुप, ठीक है। एनीलिडा ग्रुप में जो है कौन सा जंतु आते हैं? तो इसमें जो एनीलिडा में जो आते हैं कौन है? जोंक है और केचुआ, यानी कि जोंक और ये जोंक और केचुआ जो है एनालिडा में आते हैं। कौन सा है? जोंक और केचुआ, ठीक है। फिर आगे है ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? किस ग्रुप में? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में कौन कौन सा है? तिलचट्टा हो गया, जू हो गया, खटमल हो गया और मक्खी हो गया, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में कौन सा हो गया? तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पर बढ़ते हैं। इसमें है मोलस्का ग्रुप में, ठीक है। तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन सा जंतु आते हैं? तो इसमें है पाइला, जिसको घोंघा बोलते हैं। घोंघा जो है ना मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इकाइनोड्रमेटा संघ के अंतर्गत कौन सा जंतु आते हैं? इकाइनोड्रमेटा, इकाइनोड्रमेटा का अंतर्गत आता है तारा मछली हो गया। बीटल स्टार समुद्री खीरा है ना, बीटल स्टार समुद्री खीरा जो है एकेंड्रोमेटा के संघ के अंतर्गत आते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं, एग्जाम में पूछा हुआ टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ जो है मुख से ही हो जाता है, यानी कि उसका पाचन क्रिया जो है मुँह से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है, क्या है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। शिरा जो होता है, शिरा द्वारा जो होता है उसके द्वारा जो है अशुद्ध बल जो अशुद्ध रक्त जो है हाँ, तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ के शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त जो है प्रवाहित होता है, ठीक है। और धमनी द्वारा, और धमनी द्वारा कौन सा रक्त हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा, ठीक है। धमनी द्वारा हो जाएगा शुद्ध रक्त हो जाएगा, और शिराए द्वारा जो हो जाएगा अशुद्ध रक्त हो जाएगा। फिर क्या है, कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PBI है, ठीक है, ये PBI है। तो जल में घुलनशील जो है बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील, तो एडेक, ए डी ई और के, ये चार विटामिन जो है ए डी ई के, ये जो है वसा में घुलनशील होती है। एकदम PBI क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, ये PBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी एंड सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो है जल में घुलनशील नहीं है, बल्कि फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि आपको वसा में घुलने वाला विटामिन है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे शिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराओं द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बल्द, यानी अशुद्ध रक्त जो है उसमें प्रवाहित होता है, जबकि धमनी द्वारा जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, अभी तो देख लिया है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम Na, इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम Na होता है, ठीक है, Na, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान 23, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सोडियम का जो है परमाणु संख्या जो है 11 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। सोडियम का क्या कार्य है? ठीक है, यह जो है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है, तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है उसको नियंत्रित रखता है, ठीक है, और जल का संतुलन हमारे बॉडी में
बनाए रखता है, ऐसे भी ध्यान में रखेगा। ऐसे ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इस चार जो क्वेश्चन है इसमें ये ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो RR भाई चेन्नई में पूछा गया है 1992 में, ठीक है, क्या है पोटेशियम का कार्य क्या, अभी क्या था यहाँ पे सोडियम का कार्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का कार्य देखा, रक्त दाब को नियंत्रित कर यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और जलन का संतुलन हमारे बॉडी में बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पोटेशियम का क्या कार्य है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, ठीक है। पोटेशियम क्या करता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये ऊपर का सोडियम हो गया, ये नीचे का पोटेशियम हो गया, पोटेशियम का के होता है, ठीक है, पोटेशियम का सूत्र क्या हो जाएगा, के, पोटेशियम के होता है, ठीक है। और यह जो है हृदय की धड़कन हो गया एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशिया में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हम जो है जब दौड़ते हैं, जब दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है मांसपेशी जो है वहाँ पर लैक्टिक अल्ब का फॉर्मेशन कर लेता है जिसकी वजह से हमें वहाँ पर पेन होती है, ठीक है। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ठीक है, तब बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी ग्लूकोज का प्रतिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6, ठीक, ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12 और O6, याद रखिएगा C6H12 और O6 ग्लूकोज का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज है प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल यानी कि H2O बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ठीक है। एक बात और है क्वेश्चन में ग्लूकोज में ही आता है, ठीक है, हाँ, तो वो क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज में कायल कार्बन के परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये भी ध्यान में रखेगा कि कायल कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है ग्लूकोज में वो कितना होती है, 4 होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है उसको भी ध्यान में रखेगा कि ग्लूकोज में जो है कायल कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है कायरल परमाणु, कौन सा परमाणु, कायरल कार्बन सी है ना परमाणु, कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्लूकोज में कितने होती है, 4 होती है, याद रखिएगा, ठीक है, 4, ठीक है, आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट है एनिलिडा के में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, नेफ्रिडिया द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा, एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो एनिलिडा द्वारा। मूत्र का पीएच कितना होता है, तो मूत्र का पीएच जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक का मतलब है कि 7 से कुछ कम यानी कि यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना दिए हुए, 6 दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे जो है 6 है। ग्लूकोज का पीएच कितना होता है, 7 होता है। अब ब्लड का पीएच कितना होता है, कितना होता है ब्लड का, तो ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है, और वाटर का यानी कि H2O का कितना होता है, वो तो न्यूट्रल है तो 7 होगा, है ना, हम याद रखेंगे इसको, ठीक है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, यानी कि ये जो है बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, H2O कितना, 7 होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, यह क्वेश्चन है बाह्य श्रावी एवं अंतःश्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है, तो ये अग्नाशय में होती है, बाह्य श्रावी और अंतःश्रावी यानी कि बाह्य श्रावी और अंतःश्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि में होती है, अग्नाशय में होती है, इसे भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हो गया ये आपका मूत्र का हो गया, ठीक है, मैंने वाटर का बताया, ठीक है,
वाटर का पीएच बताया, ठीक है, 7 हो गया, और ब्लड का मैंने बताया कितना, 7.4, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है ऑक्सीजन ग्लूकोज प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। ग्लूकोज बिना बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया, बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया प्रतिक्रिया क्या बनाती है, तो इथाइल अल्कोहल बनाती है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनाता है। हाँ खाली, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा साबित होता है, बी कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो है, ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा साबित होता है, बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इंसुलिन जो है, अगर हमको शुगर का यानी कि चीनी रोग का अगर आए, ठीक, चीनी रोग में किसमें असंतुलन के कारण जो है शुगर होता है, तो शुगर जो होता है इंसुलिन में असंतुलन के कारण हमारे जो है बॉडी में शुगर की बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक देखते हैं, नेक्स्ट है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, ये काम हीलियम है, ठीक है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कीटनाशक सब लोग जानते हैं। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होती है, इथेनॉल जब हम पियेंगे यानी कि शराब जब पीते हैं तो उससे हमारा लीवर खराब होगा यानी कि यकृत में प्रॉब्लम होगी। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, सभी एसिड में पाया जाएगा तो क्या हाइड्रोजन पाया जाएगा। अगर बेस यानी कि अगर बोले तो क्षार, बोले तो क्षार क्या होगा, OH यानी कि OH ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। यानी जो OH माइनस आयन देता है उसे क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जो H प्लस आयन देता है उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बन जाती है कि अम्ल में अनिवार्य रूप से पाया जाएगा तो हाइड्रोजन पाया जाएगा, और क्षार में पाया जाएगा क्या, OH यानी कि अल्कोहल पाया जाएगा। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में जो है आग लगना और फैलने की संभावना सबसे कम होती है। लोहा का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, हरी सब्जियों में Fe आयरन पाया जाता है। यहाँ पे लोहा वो लोहा नहीं जो हम लोग हथौड़े में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोहा है, यहाँ पर आयरन की बात कही जा रही है जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है, उस अन्न की बात हो रही है, ठीक है। लोहे का प्रचुर मात्रा में कहा था, हरी सब्जी में जो है लोहे जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन को किस के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तात्कालीन शक्ति के लिए धावों का कौन सा पदार्थ दिया जाता है, ग्लूकोज। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ग्लूकोज के जो है इस्तेमाल जो है हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं, तो तात्कालीन धावों के शक्ति के लिए मतलब कि तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज का डोज दिया जाता है, यह इंपॉर्टेंट हो गया। लोहे से प्रचुर मात्रा में क्या पाया, हरी सब्जी, आग लगने से फैलाने के लिए क्या, सूती, और ये जो मैंने बताया है एसिड के बारे में, ये इनमें इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। हम लोग जानते हैं पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह हमारा रक्षा, एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है। थायराइड के लिए समानता उपयोगी की जाने वाली औषधि कौन सा है, क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन जो है अंतजवर टाइफाइड, टाइफाइड यानी कि टाइफाइड जो डिजीज है जो इसमें कि फीवर वगैरह आता है, ठीक है, उनमें जो है आंतजवर में क्लोरोमाइसिटिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो गैस की लौ को सबसे कम हिस्से को हम लोग ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सोने का शुद्ध रूप जो है कितने कैरेट का होता है, सोने का शुद्ध रूप जो है 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है, ये पारसिनेबार HGS, सिनेबार का HGS हो सकता है, क्या होता है, HGS, ठीक है, HGS सिनेबार होता है, ठीक है। तो ये पारे का अयस्क है, ठीक है। शोर क्या है, शोर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है।
शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो हमारा शरीर का ताप है, जो टेम्परेचर है, उसका किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो आरबीसी का इस्तेमाल होता है, रेड ब्लड कार्पसिकल्स या सेल। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का। ये भी याद रखिएगा कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितना होता है? 120 दिनों का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिकारुद्ध कितनी हड्डियाँ होती है? ठीक है, तो 33 हड्डियाँ होती है हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियाँ होती है। देखिए, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन है ना, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन। ठीक है, ग्यूरिन कालमेटी ग्यूरिन। ठीक है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक के द्वारा होता है। दमा नामक रोग किसके द्वारा से होता है? दमा भी कवक के द्वारा, एथलीट फुट भी जो है कवक के द्वारा ही होता है। अगर है फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो फलेरिया नामक रोग जो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। पेट्रोल का 10% अल्कोहल 90% मिलाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या प्राप्त होगा? गैसोहॉल प्राप्त होगा। पेट्रोल 10% और अल्कोहल 90% तो गैसोहॉल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरआरबी कोलकाता। ठीक है, स्वकनिका को अन्य नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। स्वकनिका को और क्या नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया से नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है? तो आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आता है ना। प्ले ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साइचेट समझा जाता है, जो जीव दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्ध माध्यम और बेउरी में काम आने वाला जाने वाला एक किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? ये पुष्प कली से प्राप्त होती है। ठीक है, पुष्प कली होता है उसी से लौंग प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है भाई।